चलिए दोस्तों जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कल से बदल जाएगा मौसम का मिजाज। आ रहा चक्रवाती तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्र में दिखेगा असर। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। न्यूजीलैंड में खालिस्तानियों ने मचाया उत्पात, रेडियो होस्ट को मार डाला, भारत से है कनेक्शन। इस हफ्ते सोना चांदी में रहेगी तेजी। सोना 62728 के ऑल टाइम पर पहुंचा, वही चांदी 76000 के पार पहुंची। IDBI बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर समेत 2100 पदों पर निकाली गई है भर्ती। 12वीं और ग्रेजुएशन पास वाले कर सकेंगे आवेदन। आवेदन करने के लिए IDBI बैंक recruitment.gov में जाकर कर सकते हैं आवेदन। स्कूल में ड्रेस कोड का विरोध, धार्मिक पोशाक पहनाकर विद्यालय भेजने पर अमाद अभिभावक, हेडमास्टर को दिया गया धमकी। मुकेरिया में पुलिस ने हटाया धरना, नाराज किसानों ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा लोकतंत्र का किया जा रहा हनन। पुरानी पेंशन पर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में होगी पेंशन जय घोषण महारैली। सरकारी कर्मचारियां लामबद्ध करेंगी और करेंगी हड़ताल। बंगाल में महुआ मोइत्रा मामले में अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, कहा निष्कासन अत्यंत गंभीर दंड। मालदीव के नए निजाम के साथ भारत का पॉजिटिव स्टार्ट, राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, बनेगा कोर ग्रुप। पंजाब के गुरदासपुर में सनी देओल पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल, जनता से पूछे कभी शक्ल भी उन्होंने नहीं दिखाया। दिसंबर शुरू होते ही सर्दी का सितम बढ़ने लगा, कई राज्यों में गिरेगा पारा, लगातार बढ़ेगा ठंड। 10 दिसंबर से कड़ाके की पड़ेगी कई राज्यों में ठंड। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है व्हाइट लंग सिंड्रोम नाम की रहस्यमय बीमारी। चीन में सबसे ज्यादा फैल रही है बीमारी, भारत में भी बच्चों को पड़ सकता है इसका खतरा। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ले सकते हैं तलाक, एक्टर ने उतारी अपनी वेडिंग रिंग तो फैंस की सताई चिंता। सरकार किसानों को दवाई छिड़काव के लिए पावर स्प्रे पर दे रही है 50% तक का सब्सिडी, इसके लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में मेदांता अस्पताल को देना होगा 37.5 लाख रुपए का जुर्माना। बांग्लादेश में आया भूकंप का झटका, 5.6 तीव्रता पर आया भूकंप का झटका, लद्दाख तक हिला धरती। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हॉस्टल में रहने वाले 60 बच्चे, हालात बिगड़ने से अस्पताल में कराया गया भर्ती। मोदी सरकार ने रेलवे को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, रेलवे के प्रदर्शन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। बिहार में ड्रीम इलेवन युवक खेल हार गया 2.5 लाख रुपया, रच डाला खुद का किडनैपिंग का प्लान, फिरौती में पिता से मांगा 5 लाख रुपया। हार के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ फैंस ने किया दुर्व्यवहार, लगाए मेसी के नारे। RRCACR रिक्रूटमेंट 2023, दक्षिण पूर्व रेलवे में 10वीं पास के लिए 1785 अप्रेंटिस पद पर निकाली गई है भर्ती, इसके लिए करना होगा आवेदन। SER रिक्रूटमेंट में जाकर 10वीं वाले कर सकेंगे कैंडिडेट आवेदन। पटना में अवैध वसूली करने वाला सिपाही गिरफ्तार, वाहनों को रोक रोक कर करता था वसूली। साउथ में हिट रही एनिमल, तेलुगु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनी कंपनी, एक दिन में एनिमल ने कमाया 100 करोड़ रुपया। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की खत्म हुई लड़ाई, 6 साल बाद इस कॉमेडी शो में दोनों अब दिखेंगे साथ साथ। बिहार में लगातार बढ़ रहा है हवा में प्रदूषण, बारिश के आसार, पूर्णिया बेगूसराय में हवा हो गया है खराब, 350 के पार पहुंचा AQI। प्रो कबड्डी लीग 2023, प्रो कबड्डी लीग का पहला मैच का आज हो गया आगाज, कैसे देख सकेंगे इसके लिए हॉटस्टार में देख सकेंगे लाइव। सीएम योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 1953 गरीबों को दी गई 607 हेक्टेयर कृषि भूमि।
एआई से हमास के आतंकियों पर प्रहार कर रहा इजराइल, गाजा में 14,000 से अधिक हो गया अभी तक मृत्यु। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा व्हाइट लिंग सिंड्रोम की रहस्यमय बीमारी, बच्चों में सबसे अधिक इसका बन रहा खतरा। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा चक्रवाती तूफान, मौसम विभाग ने बिहार में जारी किया अलर्ट, बंगाल के पड़ोसी क्षेत्र में आ सकता है भयंकर तूफान। ई कॉमर्स कंपनी पर सरकार ने कसा तंज, नियम उल्लंघन करने पर लगेगा 10,00,000 रुपए तक का जुर्माना। हिमाचल में एड्स ग्रसित के लिए योजना लाएगी सुखियों सरकार, साल 2024-25 के बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। 4716 करोड़ रुपए की फर्जी जीएसटी चलान रैकेट का भंडाफोड़, 4 ऑपरेटर बंदी, 801 करोड़ रुपए का टैक्स हुआ है चोरी। भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी की एंटी शिफ्ट मिसाइल खरीदने की मिली मंजूरी, वर्तमान और भविष्य के युद्ध पोतों पर तैनात किया जाएगा। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने योगी सरकार के अनुपूरक बजट पर खड़े कर दिया सवाल, कहा नहीं बना सके एक भी जिला अस्पताल। हिमाचल में ओल्ड पेंशन को लेकर खुशखबरी, रिटायर्ड ट्रांसजेंडर को मिली है ओपीएस, बैंक खाते में आया है 10 गुना पेंशन। बिहार में बस की खरीद पर मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का अनुदान, बस करना होगा नजदीकी आरटीओ में जाकर रजिस्ट्रेशन, सरकार देगी सब्सिडी। अभी भी लीगल टेंडर है 2,000 रुपए के नोट, 97% तक ज्यादा बैंक के पास आ चुका है रिटर्न, 3% अभी भी मार्केट में फंसा है 2,000 रुपए का नोट। साउथ अफ्रीका के दौरे पर टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा और विराट कोहली को मिलेगा आराम, नहीं मिलेगा कप्तानी। टाटा टेक के शेयर ने 163% पर ऊपर चढ़ाया, 1,313 रुपए पर बंद हो गया शेयर, इसका इशू प्राइस था 500 रुपया। गंधार ऑयल के शेयर ने भी 78% किया लोगों का मुनाफा। गूगल ने फ्री एआई कोर्स शुरू की, एक दिन में मिलेगा सर्टिफिकेट, लाखों की होगी कमाई। 1 दिसंबर से डिलीट करेगा गूगल जीमेल, जो जीमेल 1 साल से नहीं स्टार्ट हुआ शुरू हुआ है उन कंपनियों को करने जा रही है सरकार बंद। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी को मायावती का मिला समर्थन, कांग्रेस बोली क्यों नहीं सुन रही सरकार। सरकार की ओर से मजदूरों के लिए बड़ा तोहफा, मिलेगा स्पेशल कार्ड, आईडी कार्ड के तरह सरकार देगी सरकारी योजनाओं का लाभ। 1 दिसंबर से बदल रहा है सिम कार्ड खरीदने का नियम, 10,00,000 रुपए का लग सकेगा जुर्माना, हो सकता है आपको जेल, वेरिफिकेशन कराना हो जाएगा अनिवार्य। गुजरात में किराना स्टोर से खरीदा आयुर्वेदिक सिरप और ले लिया है 5 लोगों का जान, दुकानदार समेत 3 हो गए गिरफ्तार। ना बारात ना बैंड बाजा, बस चलते ट्रेन में लड़का लड़की ने रचा लिया शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। रूस की जनसंख्या बढ़ाने को लेकर राष्ट्रपति पुतिन का विवादित बयान, कहा अगर 7 से 8 बच्चे पैदा करे तो महिलाओं को सरकार देगी आर्थिक सहायता। युगांडा के T20 वर्ल्ड कप 2024 में क्वालिफाइंग करते ही आया जय शाह का रिएक्शन, ट्वीट करके पूरे टीम को दे दिया बधाई। वालेसिया में होने वाले 5 देशों के टूर्नामेंट के लिए 24 सदस्य भारतीय पुरुष हॉकी टीम का आज हुआ घोषणा। 97 और तेजस विमान खरीदने की डील हुई है डन, 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर को भी मिला है आज मंजूरी। पाकिस्तान से 5 महीने बाद अंजू लौट आई भारत, प्रेमी नसरुल्ला के लिए बनी फातिमा। मेट्रो यार्ड बनाने के लिए 40 मकान पर चला बुलडोजर, गुस्साई लोगों ने किया हंगामा, आंदोलन का दे दिया धमकी। गरीब को मिलेगा 5 साल तक मुफ्त राशन, महिलाओं को ड्रोन का मिलेगा ट्रेनिंग, सरकार कई घोषणाएं कई फैसले लेने के मूड पर कर रही है ऐलान। मोबाइल नंबर सस्पेंडेड, सरकार का बड़ा एक्शन, 70,00,000 मोबाइल नंबर हो गए हैं सस्पेंड, सरकार फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ले रही है इस तरह का बड़ा एक्शन।